तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन एंटरटेनमेंट्स। और अभी हम लोग आए हैं जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो आज आपको हम दर्शन कराने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर, अद्भुत और विश्व की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, जो कि इस मंदिर में विराजमान है। इसका नाम हनुमान ताल के नाम से जाना जाता है। और अभी सुधा सागर महाराज जी ने इसका नाम शासनोदय तीर्थक्षेत्र किया हुआ है। देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना अच्छा है यहाँ का। अभी हम आपको मंदिर के लिए अंदर ले जाएंगे और वहाँ के दर्शन कराएंगे और बताते हैं आपको मंदिर के बारे में कुछ रहस्य। ये देखिए मंदिर से बाहर से मंदिर का व्यू, काफ़ी बड़ा मंदिर जी ये है और काफ़ी अच्छी जगह में बना हुआ है। ये देखिए, देख सकते हैं आप कि व्यू कितना अच्छा आ रहा है। पूरे वाइट मार्बल से मंदिर जी बना हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं और कराते हैं आपको दर्शन। इस तरीके से यहाँ पे मंदिर जी के बाहर पैर धोने की व्यवस्था है। अभी हम लोग ने पैर धो लिए हैं और हम लोग मंदिर जी के अंदर चलेंगे। चलिए, विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा आदिनाथ भगवान की। विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा, चतुर्थकालीन प्रतिमा, श्री एक आदिनाथ प्रभु जी, आदिनाथ भगवान जी की विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। मूल नायक प्रतिमा है यहाँ पे, जिसके दर्शन मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं। एक हजार पार्षण भगवान जी की प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है और साथ में अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर ये मंदिर जी बना हुआ है। इसकी बनावट बहुत ही सुंदर है। हमारे एक हजार श्री नीमियंत भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है, साथ में आदिनाथ भगवान जी और महावीर भगवान जी हैं। काफी प्राचीन और अद्भुत प्रतिमा है। ये देखिए मंदिर जी कितना सुंदर है। सुधा सागर महाराज जी की तस्वीर भी लगी हुई है। ऐसा है कुछ व्यू। ये देखिए कितना सुंदर ये मंदिर जी बना हुआ है। देख सकते हैं आप पूरा व्हाइट मार्बल से यहाँ पे काम हुआ है। अच्छा, श्री विद्यासागर महाराज जी का ये देखिए। अब हम चलेंगे आगे। देख सकते हैं किस तरीके से कितना सुंदर ये वर्क, ये यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है ये इस मंदिर जी का। आपको लगेगा कि आप स्वर्गों में आ गए हैं। ये 1008 श्री मुनीश्वर रत्न प्रभु जी विराजमान है। कहते हैं कि यहाँ पे चमत्कार होते हैं। यहाँ पे देवों के द्वारा केसर की वर्षा होती है और घंटी की आवाज़ सुनी देती है। इस प्रतिमा का ये चमत्कार है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, हम आपको ज़्यादा पास से नहीं दिखा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत प्रतिमा जी है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे सोने का वर्क का काम हुआ है।
ये हमारे 1000 श्री पाशनाथ रोज जी की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना सुंदर ये पाशनाथ भगवान जी तीर्थंकर प्रभु विराजमान है। यहाँ पे बहुत ही मनमोहक प्रतिमा यह है। कितना ये सुंदर मंदिर जी और मंदिर जी के अंदर की बनावट और उससे भी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं इस मंदिर जी में विराजमान है। सुंदरता के साथ प्राचीन और अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं ये आदिनाथ भगवान जी की और पाशनाथ भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है यहाँ पे, जो कि काफ़ी मनमोहक है। ये देखिए एक एक दृश्य यहाँ का, अब चलेंगे भरत बाहुबली भगवान जी और बीच में आदिनाथ भगवान जी विराजमान है यहाँ पे। अब हम मंदिर जी के ऊपर ही चलेंगे। देखिए कितना सुंदर ये है। यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट लगी है, सेंसर लाइट, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे ऑटोमेटिक सेंसर लाइट जलती है। ये देखिए अभी बंद थी, ऑटोमेटिक चली है। अब देखिए आप इस मंदिर जी की सुंदरता, हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि ये मंदिर जी कितना सुंदर है, कितना अतिशयकारी है और कितनी यहाँ की प्रतिमाएँ सुंदर हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री 1000 आदिनाथ प्रभु जी। ये देखिए इस प्रकार ऐसी क्रम से हमारे अजितनाथ भगवान, द्वितीय तीर्थंकर, फिर तृतीय तीर्थंकर शंभुनाथ भगवान जी। ये देखिए और ये ऐसे इस प्रकार इसकी सुंदरता ऐसे क्रम से सभी तीर्थंकर 24 तीर्थंकर जो हमारे हैं वो क्रम क्रम से यहाँ पे विराजमान है, जैसा आप देख सकते हैं। ये देखिए चलिए आगे चलते हैं। ये बीच में हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी, ऋषभदेव प्रभु इनके नाम से, ऋषभदेव प्रभु भी हम इन्हें बोलते हैं। ये देखिए ये प्रतिमाएं देखिए कितनी सुंदर हैं, मनमोहक प्रतिमाएं हैं, कितनी शांत और प्राचीन भी है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है लेकिन हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए प्रतिमा जी, ये 24 तीर्थंकर भगवान जो कर्म से हैं, ये पाशनाथ भगवान जी की प्रतिमा जी। यहाँ पे ये कुछ छोटी छोटी प्रतिमाएं यहाँ पे रखी हुई हैं, ऐसा है कुछ नज़ारा। ये देखिए काफ़ी सुंदर दृश्य है, वीडियो में आपको इतना अच्छा हो सकता है समझ ना आ रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तब आपको लगेगा कि कितनी ज़्यादा सुंदर और अद्भुत प्रतिमाएं और यहाँ का दृश्य है। ये देखिए यहाँ पे भी कारीगर द्वारा बहुत ही सुंदर काम किया गया है जो कि इस मंदिर की शोभा बढ़ा देता है। ये देखिए
आगे चलेंगे। इस तरीके से कुछ काम किया गया है। ये क्रम से हमारे तीर्थंकर जी विराजमान हैं। फिर हम आगे आएंगे ऐसा। ये सोने की वर्ग से काम किया गया है। ये कुंतुनाथ, अरेनाथ और मल्लिनाथ जी की प्रतिमाएं विराजमान है यहाँ पे, देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्रम से हमारे तीर्थंकर भगवान विराजमान है। काफी सुंदर दृश्य है मंदिर जी का। ये इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरफ चलते हैं मेरे। यहाँ पे भी हमारे 1000 पार्षद भगवान जी विराजमान हैं, देख सकते हैं ये कितना सुंदर। ये देखिए चलिए आगे चलते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे दीवारों में यहाँ पे कैलाश गिरी सिद्ध चेत को दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर कारीगरी है। ये यहाँ पे चंपापुर जी सिद्ध चेत्र को दर्शाया गया है। ऐसे ही यहाँ पे कहीं कहीं पे कुछ कुछ सुंदर सुंदर दृश्य दर्शाए गए हैं। आगे चलते हैं। एक है मुनीश्वर रत्न प्रभु जी। बस इसके ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर छत है। ये आपका मंदिर जी है। तो दोस्तों ये था आदिनाथ भगवान जी का अति प्राचीन प्रतिमा वाला मंदिर जी हनुमान ताल, जो कि शासनोदय तीर्थ क्षेत्र अति क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर जी की एक विशेषता यह भी है कि इस मंदिर जी में 24 घंटे का अखंड भक्तांबर पाठ पिछले 12 सालों से चल रहा है। और यहाँ पे पिछले 12 साल से दिन रात भक्तांबर जी का पाठ होता रहता है। आप जीवन में एक बार जरूर इस मंदिर जी में आएं और आकर दर्शन का लाभ अवश्य उठाएं। इस मंदिर जी की जो प्रतिमा है, मूल नायक प्रतिमा आदिनाथ भगवान जी की, उसमें प्रतिवर्ष नए साल में और आदिनाथ भगवान जी के जन्म कल्याणक में महामस्तकाभिषेक किया जाता है। तो जब भी आपके भाव बने, जीवन में एक बार ज़रूर आप आएँ और इस मंदिर जी के दर्शन करें, और हो सके तो अभिषेक का भी लाभ लें। ये मंदिर जी हमारा जबलपुर से मेन स्टेशन से ज़्यादा दूर पे नहीं है, मुश्किल से 2 किलोमीटर पे है। आप किसी से भी ऑटो या ई रिक्शा करके 10 मिनट के अंदर इस मंदिर जी में आ सकते हैं। जबलपुर में सबसे पास मंदिर जी यही है, जो कि बहुत ही अद्भुत, सुंदर और विशाल है। तो
अवश्य आएं अपने परिवार के साथ और अपने जीवन में एक बार इस मंदिर जी के दर्शन जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए मंदिर जी के पास। आज के लिए जय जिनेंद्र, बाय।